नाज़रीन, आपकी खिदमत में आदाब हम फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम अनमोल रतन में एक खास रतन के साथ जिनकी ज़िंदगी के तमाम छुए अनछुए पहलुओं से वाकिफ होंगे आप तस्दीक होंगी उन बातों की पहले से जो मालूम थी उठेंगे पर्दे उन रासों से जिनसे हम वाकिफ न थे तो आइए पर्दा उठाएं और सूरत दिखाएं हसीन और जमील उस मेहमान की जिन्हें देखकर चंद लम्हे तो उन्हें पहचानने में ही गुजार देंगे आप लेकिन जैसे ही आप पहचान लेंगे तो हैरत से कहेंगे आ वाह क्या बात है जी हाँ आप बजा फरमाते हैं यही है फिल्मी दुनिया की मशहूर अदाकारा ललिता पवार अरे इन बहुओं को क्या हो गया इनकी पर इतने शदीद बल कैसे पड़ गए अजी इतमान रखिए फिल्मी पर्दे की ये नहायत बुरी सास जाती जिंदगी में मोहब्बत से लबरेज और एक नर नाजुक दिल की मलिका रही है खुश दिल और बहुत ही जज्बाती खातून थी मेरे पिताजी बहुत भावनाशील थे मुझे बिल्कुल लड़के की तरह पाला है उन्होंने मुझे कभी लड़की समझा ही नहीं और मेरे भाई पर तो बहुत ही प्यार था जब से माँ बाप अलग हो गए उन्होंने शादी नहीं की सिर्फ हमको ही देखा कुछ नहीं बस वो उन्होंने जो काम शुरू में करते थे वो काम तो वो करते ही रहे लेकिन हमारे पास ज़्यादातर रहे लेकिन सानी गुरुजी के साथ उनका बहुत मेल था उनके पास जाते आते थे ज़्यादातर वहीं रहते थे जब कभी भी हमको कुछ कहना होता था तो बहुत प्यार से कहते थे और जो कुछ उनमें था वो सारा मुझ में आया इमोशन क्या गुस्सा क्या जो भी कुछ है वो पहले कुछ रामलीला में भी काम कर करते थे और भाई मेरे वो भी बहुत इमोशनल हैं जो कुछ मैं हूँ मैं काम करती थी मेरे भाई भी काम करते थे कई वर्ष उन्होंने काम किया कैमरामैन के साथ काम किया लैब में काम किया असिस्टेंट कैमरामैन किया रोल कहीं किए उनका नाम शांताराम सगुन उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरा सब कुछ काम उन्होंने ही देखा मेरे भाई जैसा भाई तो दुनिया में नहीं मिलेगा मेरे पिताजी जैसे पिताजी दुनिया में नहीं मिलेगी और मुझे ये दो भाई और बाप इनके सिवा दुनिया में कुछ नहीं है कुछ नहीं। छनती हुई नज़रों से जज्बात की दुनियाएं, बेखाबियां अफसाने महताब तमन्नाएं कुछ उलझी हुई बातें कुछ बहके हुए नगमे कुछ अश्क जो आंखों से बेवजह छलक आए यू तो मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का दर्जा हासिल है मगर ललिता जी की जिंदगी में भी हादसों की कमी नहीं थी न जाने कितने मुश्किल मराहिरों से उनकी गुजरी जिंदगी और आखिरकार उनकी मौत भी एक हादसा बनकर रह गई हादसे बस हाथ से ही हाथ से कहरे परवर दिगार देखेंगे दर्द में भी करार देखेंगे दिल अगर सलामत है हम खिजा में बहार देखेंगे 18 अप्रैल 1916 में पैदा हुई अंबा लक्ष्मण सगुन उर्फ ललिता पवार आधा बचपन गुजरा मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में और आधा पूना में 11-12 साल की छोटी सी उम्र में ही अंबा यानी ललिता जी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था इनकी पहली फिल्म 1928 में आर्यन प्रोडक्शन कंपनी पूना की साइलेंट मूवी पतित उधार मगर फिल्म एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई यह भी एक हादसा है एक मजेदार हादसा हुआ कुछ यूं कि... मैं फिल्म में आई तो फिल्म का नाम भी मुझे नहीं मालूम था मैं तो रामलीला समझ कर आई हूँ पिक्चर 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 कहा जाता था घर में पिक्चर जाना है पिक्चर जाना है हम लोग गए पिक्चर में जहाँ हम गए एक बड़ा सा कमरा था उसके अंदर एक बीच में पर्दा पड़ा हुआ था और एक तरफ को आदमी बैठे हुए थे एक तरफ को मर्द बैठे थे मर्द और औरतें और दोनों अलग अलग तो हमको बड़ा अजब सा लगा कुछ बत्तियाँ नहीं है कुछ नहीं है अंधेरा ही अंधेरा तो यहाँ रामलीला कैसे होगी तो इतनी देर में देखा कि एक सफेद दीवार के ऊपर कुछ बोर्ड आने लगे यानी पब्लिसिटी के कुछ लेटर्स दिखाई देने लगे तो हमने देखा थोड़ी देर में कुछ आ, लोग दिखाई दिए तो थोड़ी देर में कभी उसका गला आ जाए कभी हाथ आ जाए कभी बॉडी में कुछ अलग 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 कुछ आने लगे मैं तो बहुत डर गई मैंने कहा ये टूटे फूटे आदमी कैसे रामलीला में हमारे वहां तो ऐसे नहीं होते हैं। मैं तो बाहर भाग गई बाहर मैंने देखा कि एक आदमी कुछ मशीन पे काम कर रहा था उनको मैंने कहा कि वो हमको अंदर जाना है वहीं फिर अंदर गई और उस लड़के को बुला करके लाई और उन्होंने उस लड़के को समझाया कि ये तुम लोग वहां जाओ तो वहां तुमको ये सब लोग मिलेंगे तो दूसरे दिन शनिवार था शनिचर था तो हम गए तो वहाँ भिकारदास मारुति नाम का मंदिर था तो वो मंदिर में स्कूल था वो स्कूल में आधा दिन चलता था आधे दिन के लिए बच्चों को छुट्टी थी तो वो एक दीवार के ऊपर बैठे हुए थे सब तो हमने कहा कि भाई यहाँ कुछ होगा तो चलो तो उस लड़की को मैंने नीचे किया और मैं उसके कंधे पर चढ़ गई तो ऐसे मेरे हाथ नीचे गए ही थे कि मेरे हाथ पर एक लकड़ी आके पड़ी और मेरा हाथ कट गया यहां से यहाँ तक तो एक पीछे की तरफ कैमरा रखा हुआ था और इधर का जो साइड थी हमारी तो वो नीचे थी उधर के ऊपर थी तो कैमरामैन थे वाई डी सर्पुद्दर. वो एक बड़ा सा टेबल था उसके ऊपर कैमरा रख के खड़े हुए थे और उनके बाजू में एक आदमी इंद्र का मेकअप करके खड़ा हुआ था वो सब वो भाग दौड़ कर आए और मुझे उठाकर अंदर ले गए अंदर ले गए तो मेरा वो हाथ में से खून निकल रहा था मेरे हाथ में से मुझे तो उसका ध्यान नहीं था लेकिन जो आदमी मैंने कल देखे थे वो पूरे थे किसी का भी कुछ कटा हुआ नहीं था तो मैं उन्हीं लोगों को देख रही थी तो इतनी देर में में वो भीड़ में से कोई एक बड़े से साहब जैसे कोई आदमी अंदर आए तो उन्हें तो कहा था मरता कहा था हमारा तला तो मैंने कहा अमारा रामलीला पहची होती आम्मी आलो तक होते तर तो सगले मनस कापले कापले मनस दिस होते मैं इत आमली तो मैं अस का रामली काम करतेस का रामली हाँ हाँ करूंगी जरूर करूंगी हाँ मेरा कोई नहीं है यहाँ गनो सिंह काका के वहाँ हम ठहरे हुए हैं मेरे पिताजी तो काका के साथ बाहर गए हैं खेतों पर हमको उन्होंने टांगे में बैठाया और घर लाया तो मैं पहले ही कूद करके घर में गई और बुआ जी से कहा कि बुआ जी वो रामलीला वाले आए हैं और हमको रामलीला में काम करना है हमको करने दीजिए तो बोलते कहाँ हैं वो लोग तो अंदर आ गए उन्होंने उनसे इजाज़त ली और हमने काम करना शुरू कर दिया कोई मेरे ख्याल से छः सात दिन हुए होंगे कि मेरे पिताजी आए और कहने लगे कि हमको जाना है चलो तो मैंने कहा पिताजी हमने काम किया है रामलीला में आपको दिखाएंगे वो जो रामलीला में दिखाते हैं ना वो बिल्कुल अलग है अपने रामलीला के जैसा नहीं है तो वो हम लेकर आते हैं और उनको कहकर भी आते हैं कि हम लोग जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम गए नाना साहब सतपोदर के पास और उनको नमस्कार करके बोले कि हम लोग जा रहे हैं हमको हमारी रामलीला दे दीजिए तो बोले जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हमारा काम तो अभी आधा है मैं कहा आधा हमारे वहां तो रामलीला एक ही दिन में हो जाती है आ, अभी हम क्या करेंगे हमारे पिताजी तो आए हुए तो बोले तुम्हारे पिताजी को लेकर आओ मैंने कहा वो तो नहीं आएंगे आप किसी को भेज दीजिए तो वो हमारे साथ तांगे में बिठा के भेज दिए तो उन्होंने उनको पूछा पिताजी से कि भाई अभी जो ये काम कर रहे हैं बच्चे पिक्चर में वो तो सब आधा ही आधा है वो तो अभी नहीं जा आ सकते तो बोले कि हम क्या करें हमारे उनकी माँ को कि हम क्या जवाब देंगे तो बोले कि देखिए हम तुमको बताते चलो उन्होंने उनको थिएटर में ले जाके आधी पिक्चर जितना पिक्चर हुआ था वो बताया बोले अभी आगे तुमने तो मालूम है किताबी भी किताबें पढ़ी होगी उसमें भी देखा होगा रामलीला नहीं देखी है तो अभी आधा हम किसको बताएंगे तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज कहा क्या है तो बोले कि तुम बच्चे को हमारे पास छोड़ो और तुम जाओ हम तुम्हारी तरह ही बच्चों को संभालेंगे तो उसके बाद मेरे पिताजी चले गए माँ बाप का हमारे बहुत झगड़ा हो गया हमारी माँ ने कहा पहले उन दिनों में एक कोई जीजी का तमाशा होता था या सर्कस होती थी तो वो हमारी माँ मा ने ये समझा कि बच्चों को कहीं बेच दी है तो हुजूर इस तरह चल निकला सिलसिला है माहवारी की तनख्वाह पर हुनर और अदाकारी में तो लाजवाब थी ही सो आर्यन फिल्म कंपनी के साथ पंद्रह बीस फिल्मों में काम कर लिया जिससे दौलत के साथ साथ मिली बेशुमार शोहरत और इज्जत ललिता जी ने राजपुत्र पृथ्वीराज चौहान परिणी वगैरह फिल्मों में अलग-अलग किरदारों में जान फूकी मेरी पहली पिक्चर थी आर्य महिला, जब मैंने काम करना शुरू किया मैंने तीन चार पिक्चर की नाना साहब सरपोदर की उन्होंने बिल्कुल अपने ही घर में रखा था बच्चों के तरह से मेरे पिताजी भी वही थे मैं आर्यन में तीन चार साल काम करने के बाद मैं स्वतंत्र काम करने लगी सब जगह मैं गई मद्रास बॉम्बे पूना अपनी कंपनी को मैंने काफ़ी पिक्चरें की ठक्सन राजपुत्र ठक, ठकाई मौसी उड़ान टप्पू काफी मराठी पिक्चर गनी में कावा मराठी भी की है ये सब मराठी यानी ड्रेस मराठी थे पिक्चर तो साइलेंट ही थी सारी साइलेंट से टॉकी का जमाना आ गया मुझे भी टॉकी फिल्में मिलने लगी पहली फिल्म थी मेरी हिम्मत मर्दा मदद खुदा वो पिक्चर मेरी बहुत अच्छी गई उसके बाद मुझे बहुत पिक्चरें मिली आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अपने सत्तर साल के फिल्मी करियर में ललिता जी ने हिंदी मराठी मिलाकर तकरीबन सात सौ फिल्मों में काम किया साइलेंट फिल्में हो या आज के दौर की फिल्में ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेकर आज की हाईटेक फिल्मों तक लगातार सात दशक तक उन्होंने अपना सिक्का जमाए रखा ज़िंदगी के हर रंगों से रंगा सुनहरे पर्दे को चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी वसंत जोगलेकर की नंद किशोर नाम की एक पिक्चर थी उसमें राधा के माँ का एक रोल था वसंत वसंतराव का ऐसा था कि भाई आपने पिक्चर में काम करें ही करें छोटा हो या रोल बड़ा और मुझे भी छोटे रोल से ही बड़ा रोल से कुछ नहीं पिक्चर के रोल में लेंथ नहीं स्ट्रेंथ हो वो रोल करना चाहिए चाहे दो शॉर्ट का रोल हो तो वो मैंने रोल किया और मुझे ऐसा लगा कि इसमें कॉमेडी कुछ हो तो ये रोल ठीक है नहीं तो करने के लायक कुछ था भी नहीं तो मैंने किया किया ऐसा किया देखो हाँ बहू मैं सब्जी लेकर के आती हूँ तो तैयार रहना जल्दी हाँ अरे लाओ सब्जी ठीक कर देती हूँ चलो और तू क्या कर रही है उठना अरे लाओ लाओ जल्दी ये क्या है हाँ, कोने हाँ, अरे अरे ओ, ये क्या ये चल चल अरे बाप रे अरे पकडो 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 कोई पकडो अरे पकडो ए अरे क्या मुंह देख रहे हो पकडो नहीं ये मुझे खा जाएगा हां अरे नहीं, नहीं 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 लाओ हाँ, ये तो सब्जी है ऐसा मुझे कैसे दिखा क्या मालूम बाबा माला मालूम नहीं ना चलो हाँ सब्जी का फिर अरे नहीं नहीं ये तो वही है हटाओ 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 अरे ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है अरे वो ये क्या हो रहा है ये मैं नहीं मैं जाती हूँ मैं जाती हूँ <laughs> मैं जाती हूँ मैं ललिता पवार जिनके तजुर्बे बेशुमार जिनकी यादें बेशुमार पर हम करें तो क्या करे हम हैं वक्त के हाथों लाचार साहेबान आज बस इतना ही अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ललिता जी के साथ खुदा हाफिज